अभी कुछ समय पहले फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे सर ने एक इवेंट को संबोधित करते हुए बात कही थी कि जो ये 2020 में पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच स्टैंड ऑफ हुआ था, जो क्लैशेस हुए थे, तो वो इतनी बुरी चीज़ भी नहीं थे और वो कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि इन्हीं क्लैशेस की वजह से भारत के जो अथॉरिटीज़ हैं उनका ध्यान इस बात पर गया कि हमारा जो नंबर वन थ्रेट है वो चीन ही है, और फिर उस थ्रेट को काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम काफ़ी तेज़ी से उठाए गए। फिर चाहे बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी से बनाना हो या फिर इंडियन आर्म फोर्सेज में जरूरी इक्विपमेंट का इंडक्शन फास्ट ट्रैक करना हो। तो आज के इस डिफेंस ज्ञान सीरीज के एपिसोड में हम भारत के कुछ ऐसे मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स और वेपन सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे जो कि 2020 में पूर्वी लद्दाख वाले स्टैंड ऑफ की वजह से ही हमें वर्तमान समय में इंडियन मिलिट्री के सर्विस में देखने को मिल रहे हैं। या आप कह भी सकते हैं कि इनका इंडक्शन इतनी तेजी से हुआ है तो उसके पीछे का कारण चीनी है। अगर चीन पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के एग्रीमेंट्स का उल्लंघन नहीं करता तो उस बात की संभावना ज़्यादा है, तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स और वेपन सिस्टम्स इतनी तेजी से तो सर्विस में शामिल होते हुए हमें शायद नहीं दिखते। तो ये मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स और वेपन सिस्टम्स कौन कौन से हैं तो चलिए जानते हैं। स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो इस लिस्ट में पहला नाम है टाटा QRFV यानी कि क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल, जो कि भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा स्वदेशी तौर पर ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किया गया एक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल है जो कि 4x4 कॉन्फ़िगरेशन में आता है और ये एक माइन प्रूफ ट्रूप ट्रांसपोर्ट व्हीकल के तौर पर सर्व करता है। 2020 में जब पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था, तब उस समय भारत को लद्दाख जैसे टेरेन में ऑपरेट करने के लिए इस तरह के आर्मर्ड व्हीकल की कमी महसूस हुई थी, और फिर इसी कमी को दूर करने के लिए आर्मी ने अलग तरह के आर्मर्ड व्हीकल्स को ट्राई किया, और जिसमें टाटा के इस QRFV की जो ट्रायल्स के दौरान परफॉर्मेंस थी उससे इंडियन आर्मी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड थी। और जैसे कि टाटा अपने इस व्हीकल को लेकर जो क्लेम करती है, तो ट्रायल्स के दौरान ये जो व्हीकल है अपने सभी क्लेम्स पर खरा उतरा, और फिर 2022 में आखिरकार औपचारिक रूप से इस व्हीकल को इंडियन आर्मी की सर्विस में इंडक्ट कर दिया गया। और टाटा के QRFV को खास तौर पर चाइनीज आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले डोंगफेंग मेंगशी नाम के 4x4 माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल के काउंटर के तौर पर इंडक्ट किया गया। लेकिन चीन की आर्मी जो ये डोंगफेंग मेंगशी आर्मर्ड व्हीकल को इस्तेमाल करती है, तो इसे US के बेहद ही पॉपुलर आर्मर्ड व्हीकल्स हमवी का रिवर्स इंजीनियर्ड वेरियंट माना जाता है, और वैसे भी कॉपी पेस्ट के मामले में जो चीन है वो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लेकिन टाटा का जो ये QRFV है, तो इसको लेकर आप प्राउडली कह सकते हैं कि इसे टाटा ने फुली इन हाउस डेवलप और मैन्युफैक्चर किया है। टाटा QRFV की जो पूरी बॉडी है तो वो कंपोजिट्स इंटीग्रेटेड वेल्डेड स्टील की एक सिंगल शीट से बनी है, यानी कि इसको बनाने के लिए जीरो जॉइंट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इस व्हीकल को काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलती है। ये व्हीकल 2 टन तक के पेलोड को कैरी कर सकता है। इसमें 14 पर्सनल की सीटिंग कैपेसिटी है। इस व्हीकल में आगे के हिस्से में इंजन के अलावा इसकी जो पूरी बॉडी है, तो इसे स्टेनेक 4 लेवल तक की प्रोटेक्शन मिली हुई है। इस व्हीकल में 10 फायरिंग पोर्ट्स भी हैं, जहां पे सोल्जर्स अपनी राइफल्स को माउंट करके इस व्हीकल की प्रोटेक्शन के अंडर किसी भी सडन फायरिंग सिचुएशन में तेजी से रिस्पॉन्स दे सकते हैं, खास करके एम्बुश वाली सिचुएशंस जब दुश्मन घात लगा कर बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में ये व्हीकल्स हमारे ट्रूप्स की सर्वाइवेबिलिटी को काफ़ी हद तक बढ़ाते हैं। इस व्हीकल की छत पर आप नाइट विजन और थर्मल कैमरास के साथ 7.62 mm या फिर 0.50 कैलिबर की मशीन गन को माउंट कर सकते हैं, जहां पे इसे 360 डिग्री की रोटेटिंग कैपेबिलिटी मिलती है। और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के मुताबिक नियर इम्पैक्ट जोन में ये व्हीकल 21 किलोग्राम तक के एक्सप्लोजिव तक को झेल सकता है। बाकी इसकी मैक्सिमम स्पीड है 80 km/h, और इसमें रन फ्लैट टायर्स फिट किए गए जो कि इसे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और इसके टायर्स में खास तरह के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे अगर इसका टायर बस्ट भी हो जाए तब भी ये लंबी दूरी तक रन कर सकता है। बाकी 4x4 ड्राइव ट्रेन के साथ इसे सुपीरियर ऑफ रोड कैपेबिलिटीज भी मिलती हैं, और आप इसे इंडियन आर्मी के आर्मर्ड पर्सनल कैरियर की फ्लीट में एक बीस्ट कह सकते हैं, जिसे भारत की कंपनी ने भारत में बनाया है। और इस व्हीकल का जो स्टनिंग लेवल 4 ग्रेड का आर्मर है, तो वो आर्मर पियर्सिंग 14.5x114mm के राउंड्स को रोकने में सक्षम है, और जबकि साइड माइन एक्सप्लोजन्स और 155mm हाई एक्सप्लोजिव आर्टिलरी राउंड्स के खिलाफ मीडियम प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। और इस व्हीकल के इंडक्शन के साथ जो इंडियन आर्मी है वो LAC पर भी एडवांस आर्मर्ड व्हीकल्स के मामले में वापस से गेम में आ गई है। अब इसके बाद अगला नाम है टाटा के ही IPMV व्हीकल का। IPMV का मतलब है इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल, और वैसे ये व्हीकल टाटा कैस्ट्रल के नाम से ज़्यादा मशहूर है। इसे टाटा एडवांस सिस्टम और DRDO ने संयुक्त रूप से मिलकर विकसित किया है। और आपको बता दें कि जो टाटा IPMV है, तो ये 2020 में पूर्वी लद्दाख वाले स्टैंड ऑफ से पहले से एग्जिस्ट करता था। याद है कि डिफेंस एक्सपो 2016 में इसे इंट्रोड्यूस भी किया गया था,
और यहाँ तक कि अक्टूबर 2019 में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इन व्हीकल्स के प्रोडक्शन को शुरू करने के लिए क्लीयरेंस भी दिया था और इंडियन आर्मी की सर्विस में इस तरह के 200 व्हीकल्स को इंडक्ट करने की योजना थी। लेकिन इस योजना में तेजी खास करके तब देखी गई जब 2020 में पूर्व लद्दाख में स्टैंड ऑफ हुआ। एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा और लद्दाख जैसे लोकेशन पर इस तरह के व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर की रिक्वायरमेंट महसूस हुई। फिर जैसे जैसे तनाव बढ़ता रहा तो बहुत ही फास्ट ट्रैक बेसिस पर टाटा कैस्ट्रस को कोल्ड वेदर ट्रायल्स के लिए लद्दाख में पहुंचाया गया और सभी ट्रायल से सेटिस्फाइड होने के बाद आखिरकार 12 अप्रैल 2022 में इंडियन आर्मी के सर्विस में इन व्हीकल का पहला बैच औपचारिक रूप से इंडक्ट हुआ। और इस व्हीकल की खास बात यह है कि भारत का पहला स्वदेशी MPVS व्हील्ड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, यानी कि इसे रोड के अलावा शैलो वाटर पर भी ऑपरेट किया जा सकता है। पानी में ऑपरेट करते समय इसकी मैक्सिमम स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, जबकि सड़क पर ऑपरेट करते समय इसकी मैक्सिमम स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। ऑन रोड इसके ऑपरेशन रेंज है लगभग 500 किलोमीटर, जबकि ऑफ रोड इसके ऑपरेशन रेंज है 250 किलोमीटर। और इसे खास तौर पर आज के समय के मॉडर्न वॉरफेयर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है और इसलिए क्रू की सेफ्टी के लिए इसमें एडवांस आर्मर प्रोटेक्शन दी गई है और इसके आर्मर में वेल्डेड स्टील के साथ एप्लीके और कंपोजिट्स का इस्तेमाल किया गया है। प्रमुख हथियार के तौर पर इसमें 30mm की ऑटोमेटिक कैनन लगाई गई है, जिसे अलग अलग वैरायटी के टैरेट के साथ भी फिट किया जा सकता है। और इस ऑटोमेटिक कैनन की जो मैक्सिमम फायरिंग रेंज है वो 3000 मीटर्स तक है, जबकि सेकेंडरी वेपन के तौर पर इसमें 12.7mm की मशीन गन या फिर 40mm की ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर का ऑप्शन मिलता है। और इसमें 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर्स को एडअप करने का ऑप्शन भी है। और इस व्हीकल ने लद्दाख के टफ टेरेन में अपने आप को साबित किया है। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि अमेरिका ने भारत को इसी सेम क्लास के अपने स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल का ऑफर भी पेश किया है, जिसे वो मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत भारत में बनाने को तैयार भी हैं। हालांकि फिलहाल अभी इस प्रपोजल पर निगोशिएशन ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन अगर ये स्ट्राइकर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर भी आर्मी की सर्विस में हिस्सा बनते हैं तो आप कह सकते हैं कि भारत के टाटा IPMV या टाटा कैस्ट्रल और US का जो स्ट्राइकर व्हीकल है तो उनका कॉम्बिनेशन एक पावरफुल कॉम्बो पैक भारत को ऑफर कर सकता है। और वैसे आपको बता दें कि US ने अपने स्ट्राइकर व्हीकल का जो एयर डिफेंस वाला वर्जन है वो ऑफर किया है। और अगर बात करें इसी सेम क्लास में चीन किस तरह के व्हीकल को ऑपरेट करता है तो बता दें कि चीन के पास US हमवीज का ही चाइनीज वर्जन है, जिसे चीन ने अपनी डोंगफेंग सीरीज के तहत बनाया है। बाकी भारत के टाटा कैस्ट्रल पर हम पहले भी कई वीडियोस बना चुके हैं, आप उनके माध्यम से भी डिटेल में इसके बारे में और जान सकते हैं। और बाकी बढ़ते अगले नाम की तरफ, जो कि है कल्याणी M4। और ये भी भारत में बना एक ऐसा एडवांस इन्फेंट्री मोबिलिटी व्हीकल है जो कि मुख्य रूप से 2020 में पूर्व लद्दाख वाले स्टैंड ऑफ के बाद से ही आर्मी की सर्विस में इंडक्ट किया गया है। कल्याणी M4 एक माइन प्रोटेक्टेड हाई मोबिलिटी इन्फेंट्री मोबिलिटी व्हीकल है और ये साउथ अफ्रीका की पैरामाउंट ग्रुप द्वारा बनाया गया उनके M-Bombay 4 व्हीकल का एक लाइसेंस मेड इंडियन वर्जन है, जिसे भारत में कल्याणी ग्रुप ने प्रोड्यूस किया है। और भारत चीन के LAC स्टैंड ऑफ के दौरान ही इस व्हीकल के भी लद्दाख में एक्सटेंसिव ट्रायल्स कंडक्ट किए गए थे और उन ट्रायल्स के बाद ही इंडियन आर्मी ने इन व्हीकल्स को अपनी सर्विस में इंडक्ट करने के लिए ऑर्डर्स प्लेस किए। इन व्हीकल्स की जो खरीद है वो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर्स का इस्तेमाल करके की गई थी और अभी तक इसके 60 से अधिक यूनिट्स के लिए ऑर्डर्स प्लेस किए गए। इस व्हीकल के जो आर्मर प्रोटेक्शन है उसको कई अलग अलग तरह से टेस्ट किया गया और इन टेस्ट के दौरान इसके व्हील्स के अंडर 10 किलोग्राम तक एक TNT को एक्सप्लोर करके इसकी कैपेबिलिटी टेस्ट की गई थी। वहीं साइड से इसके प्रोटेक्शन को परखने के लिए 50 किलोग्राम तक IED ब्लास्ट भी किया गया था और इन सभी कठिन परीक्षणों को इस व्हीकल ने बड़ी आसानी से पूरा किया। और इसे असल में माइन प्रोटेक्टेड इन्फेंट्री और एक्सट्रैक्शन आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के तौर पर कंसिडर किया जाता है, यानी कि अगर कॉम्बैट जोन में हमारे ट्रूप्स के लिए जरूरी इक्विपमेंट या पर्सनल को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है, या फिर कॉम्बैट जोन से हमारे ट्रूप्स को एक्सट्रैक्ट करके बाहर लाना है तब भी ये व्हीकल अपनी भूमिका निभाता है। और इसके लिए इसमें 2.3 टन तक के पेलोड को कैरी करने की कैपेबिलिटी है। इसमें क्रू मेंबर्स के साथ टोटल 10 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है और इसे स्टेनेक लेवल 3 आर्मर की प्रोटेक्शन मिलती है जो कि 7.62mm के राउंड्स या फिर लाइट आर्टिलरी फायर तो इसको रोकने में सक्षम है। बाकी इस व्हीकल की मैक्सिमम स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर और इसके ऑपरेशन रेंज है 800 किलोमीटर। और जो कि ये एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है तो इसलिए इसमें आपको ज़्यादा हथियार देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन चीन के साथ लगी सीमाओं पर डिप्लॉय करने के लिए तो ये एक काफ़ी बेहतरीन व्हीकल है। बाकी 2020 वाले स्टैंड ऑफ के दौरान भारत को इस तरह के आर्मर्ड व्हीकल्स के अलावा एक और खास चीज़ की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा महसूस हुई थी और वो था लाइट बैटल टैंक, जो कि चीन के पास तो है लेकिन भारत की इन्वेंटरी में फिलहाल अभी कोई लाइट बैटल टैंक मौजूद नहीं है, जिसके रिक्वायरमेंट लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड एरियाज में काफ़ी ज़्यादा महसूस हुई थी, खास करके 2020 वाले क्लैशेस के बाद। हालांकि वो बात अलग है कि जब 2020 में तनाव बढ़ा था तब भारत ने लद्दाख में अपने बेहद ही पावरफुल T-90 बैटल टैंक्स को डिप्लॉय किया था, जबकि चीन के पास थे Type 15 टैंक्स जो कि लाइट टैंक हैं और इसलिए फायर पावर के मामले में तो नहीं लेकिन हिमालय जैसे क्षेत्र में बहुत तेज़ी से नेविगेट करने के मामले में चीन के लाइट टैंक्स के पास एडवांटेज था। तो इसी कमी को दूर करने के लिए भारत ने भी स्वदेशी लाइट टैंक प्रोग्राम को शुरू किया, जिसे नाम दिया गया जोरावर। और इस जोरावर लाइट टैंक को DRDO और LNT संयुक्त रूप से मिलकर बना रहे हैं, जो कि वजन में भी हल्का होगा और फायर पावर के मामले में चाइनीज काउंटर पार्ट की तुलना में ज़्यादा पावरफुल होगा।
और आने वाले कुछ ही महीनों में ये टैंक्स यूज़र ट्रायल्स के लिए इंडियन आर्मी को हैंडओवर किया जाएगा और ट्रायल्स में सफल होने के बाद फिर इसे इंडियन आर्मी के सर्विस में इंडक्ट किया जाएगा। और इंडियन आर्मी को इस तरह के 300 से अधिक लाइट टैंक्स की रिक्वायरमेंट है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि 2020 में अगर पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव नहीं बढ़ा होता तो शायद इस लाइट टैंक वाले प्रोग्राम में हमें कोई खास तेज़ी देखने को नहीं मिलती। बाकी अगर टैंक्स की बात हो ही रही है तो 2020 वाले क्लैशेस के बाद फिर इंडियन आर्मी ने अर्जुन मेन बैटल टैंक के एडवांस वेरिएंट अर्जुन मार्क 1A के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उसके 118 यूनिट्स इंडियन आर्मी के सर्विस में शामिल की जाएंगी। बाकी इनके अलावा जब 2020 में तनाव बढ़ा था तब भारत ने अपनी सेल्फ प्रोपेल्ड हाउविट्जर K9 वज्रटी को भी लद्दाख में तैनात किया था और पूर्वी लद्दाख में इन हाउविट्जर्स की परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर इंडियन आर्मी ने K9 वज्रटी की 100 और यूनिट्स को खरीदने का फैसला लिया था। और पूर्वी लद्दाख में जो K9 वज्रटी हाउविट्जर्स तैनात की गई हैं तो वो एक स्पेशल हाई अल्टीट्यूड किट के साथ इक्विप्ड है। तो ये थे वो कुछ प्रमुख प्लेटफॉर्म्स जिनके फास्टर इंडक्शन के पीछे आप चीन का नाम भी ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो को एंड करने से पहले बिग शाउट आउट टू सुबोधदीप दास जिनकी रिसर्च के साथ ही वीडियो पॉसिबल हो पाई है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।